हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे साइंस का लेक्चर नंबर टू। हमने एक बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है साइंस का भी, जिसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो कल मैंने फूड के बारे में बताया था, फूड के सोर्सेज के बारे में बताया था और फूड के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फूड, उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट या फूड, इसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो फूड का इम्पोर्टेंस है, अब जो खाना होता है, खाने का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, इसका इम्पोर्टेंस होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें जो खाना चाहिए वो किस लिए चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो सके और हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो सके, हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। हेल्दी मतलब हम बीमार ना पड़े, इसलिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब ये कुछ शब्द क्या है, मिले जुले हैं। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड को ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करना और उसको यूज करना, यूज करने को बोलते हैं यूटिलाइज करना, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ध्यान देना, न्यूट्रिशन किससे संबंधित है, फूड से ही संबंधित है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी, ये न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें खाना, एक तो फूड ऑब्टेन किया जाता है मतलब प्राप्त किया जाता है, और उसको यूज किया जाता है। यूज कौन करेगा, हमारी बॉडी यूज करेगी। किस लिए यूज करते हैं, अब बॉडी हमारी किस लिए यूज करेगी खाने को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन क्या, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, जिसमें फूड को ऑब्टेन किया जाता है और हमारी बॉडी में उसको यूज किया जाता है। और बॉडी में किस किस चीज़ के लिए यूज किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट, और बॉडी में रिपेयर करने के लिए। कुछ पार्ट्स बॉडी के डैमेज हो जाते हैं, कुछ टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तो उसके रिपेयर करने के लिए भी क्या है, यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस हो गया। न्यूट्रिशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, खाना प्राप्त करते हैं और उसको बॉडी हमारी यूज करती है अलग अलग प्रोसेस के लिए। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, आप जो भी खाना खाते हो, आप जो भी खाना खाते हो, उस खाने में पाए जाते हैं क्या चीज़, न्यूट्रिएंट्स। हर चीज़ में आपको क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ध्यान देना किस में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब ये कुछ केमिकल के पदार्थ होते हैं जो खाने में हमारे में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, हमारी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स। ध्यान दे रहा, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर दी केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फूड में। आप कोई सा भी फूड खाओ, आप चाहे कोई पीने वाली चीज़ यूज करो, हर चीज़ में आपको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स के अब यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंस देखें, अगर हम देखें कि फंक्शन क्या है न्यूट्रिएंट्स के, अगर आप फंक्शंस पे जाओ, फंक्शंस क्या है न्यूट्रिएंट्स के, तो ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि एक बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, साथ के साथ में बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारी सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो ये डैमेज टिश्यू और सेल्स होती हैं, इनके रिपेयर में हेल्प करते हैं। आपको पता ही है बॉडी की, हमारी की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। तो बॉडी के कई सारे पार्ट्स, कई सारे टिश्यूज, कई सारे सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो इनको रिपेयर करने में भी कौन हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है एक इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम का काम क्या है, इम्यून सिस्टम का काम है टू फाइट, क्या करना, लड़ाई लड़ना, किससे, अगेंस्ट डिजीज, कोई भी डिजीज हो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या एक सुरक्षा तंत्र है,
ठीक है। जब भी कोई भी बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम आपका मतलब रोगों से लड़ने का जो सिस्टम है अपनी अपनी बॉडी का वो अच्छा है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप बार बार क्या पड़ोगे, बीमार पड़ोगे, आप क्या पड़ सकते हो, बीमार। तो इसीलिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स के क्या लिए चाहिए हमें, क्या, फूड। समझ रहे हैं, अब देखते जाना, लिंक करते जाना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो और क्या हो गया, प्रोटेक्शन, साथ के साथ मैंने बताया एनर्जी भी मिलती है। आप जो भी खाना खाओगे और खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये मतलब कॉमन फंक्शन होगी किसके, न्यूट्रिएंट्स की। अगर आप बात करें कि हमारे खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने में पाए जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में ध्यान देना। जैसे न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन किस में पाई जाती है, खाने में, तो प्रोटीन भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और क्या हो गया आपके मिनरल्स, क्या हो गए, मिनरल्स। तो ये क्या है, कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो किस में पाए जाते हैं, खाने में पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इससे फटाफट आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट अच्छा है तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और विटामिन, इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। प्रोटीन का आपको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है, विटामिन से आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो ये सारे जो काम हैं जो मैंने अभी बताए फंक्शंस, ये किसके हैं, न्यूट्रिएंट्स के। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम जो खाना जो खाते हैं वो किस में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बॉडी को हेल्दी रखने में काम करता है, रोगों से लड़ने में क्षमता डेवलप करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करेगा। खाने में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोषक तत्व, हिंदी में शायद पोषक तत्व बोलते हैं इनको, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के मैंने काम बता दिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं खाने में, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर, रफेज, फाइबर्स भी होता है, वो भी इसी का पार्ट है। तो ये क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। न्यूट्रिएंट्स के काम क्या है, ये सारे के सारे फंक्शंस है किसके, न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। अब हम देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस डाइट। अब देखो, आप खाना खा रहे हो, सही बात है, खाना भी हमारा दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। खाने को हम न्यूट्रिएंट्स के आधार पर, ध्यान देना, खाने को या डाइट का मतलब भी भोजन, खाने को हम न्यूट्रिएंट्स के आधार पर दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो जाएगा बैलेंस्ड डाइट, जिसको हम बोलते हैं संतुलित भोजन या संतुलित आहार। क्या बोलते हैं इसको, संतुलित आहार या संतुलित भोजन। और दूसरा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड डाइट, ठीक है। डाइट मतलब भोजन, असंतुलित भोजन। अब देखो, खाना हमारा हो गया दो प्रकार का। अब हम खाना खाते हैं, अब आप मान लो डेली दाल चावल या डेली दाल रोटी खा रहे हो, आपका पेट तो भर रहा है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, हम हेल्दी कब रहते हैं, जब हमें बैलेंस डाइट मिलती है तो हम क्या रहते हैं, हेल्दी मतलब स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। और बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब ऐसी डाइट जिसमें ऑल दी न्यूट्रिएंट्स कैसी क्वांटिटी में हो, राइट क्वांटिटी में हों। ध्यान देना, बैलेंस डाइट संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है, ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बराबर मतलब बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उस मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको कैसी डाइट लेनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट कौन सी होगी, ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, जिसमें आपको प्रोटीन्स भी मिल जाए, विटामिन्स भी मिल जाए, फैट भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, वाटर हो, एज वेल एज रफेज हो, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो, तो डाइट कैसी होगी आपकी, बैलेंस डाइट होगी। और बैलेंस डाइट ध्यान रखना आपकी बॉडी को क्या रखती है, हेल्दी रखती है। अगर आपकी बॉडी में इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार। ध्यान देना, अगर आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, डाइट कैसी है आपकी, अनबैलेंस। अब अनबैलेंस डाइट किसको कहेंगे, ऐसी डाइट जिसमें क्या हो, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
अब न्यूट्रिएंट्स चाहे एक न्यूट्रिएंट की कमी हो या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ध्यान देना, अगर हमारे खाने में एक न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का क्या हो, लैक का मतलब होता है कमी, अगर कमी हो तो वो वाला खाना कैसा कहलाता है, वो खाना आपका कहलाएगा अनबैलेंस्ड डाइट, असंतुलित आहार। और ऐसा जो भोजन अगर आप खाओगे तो इससे क्या संभावना है, इससे संभावना है आप क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। बीमारियों को आप क्या दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो, चुन वो दे रहे हो कि आइए हमें, मतलब क्या करिए, बीमार करिए, ठीक है। इसलिए हम जो खाना खा रहे हैं तो ये हमारी इंश्योर करना है हमें कि हम बराबर मात्रा में सारी चीज़ों का सेवन करें, ऐसी हर चीज़ का सेवन करें जिसमें क्या पाए जाते हों, ये सारी चीज़ें पाई जाती हों। हम मतलब अपने खाने में प्रोटीन्स इंक्लूड करें, विटामिन इंक्लूड करें, फैट इंक्लूड करें, हर चीज़ को खाओ। मौसम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उनको भी हमें क्या करना चाहिए, खाते रहना चाहिए, ताकि बॉडी कैसी रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। तो ध्यान देना, अपना भोजन मैंने बता दिया दो प्रकार का हो गया, बैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन, हम क्या कह सकते हैं, या तो राइट क्वांटिटी कह लो या राइट प्रोपोर्शन, बराबर मात्रा में होने चाहिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, तो बैलेंस्ड डाइट। अगर बैलेंस्ड डाइट खाओगे तो आप कैसे रहोगे, हेल्दी रहोगे। अगर मान लो आप न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में नहीं ले रहे, आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स की मतलब क्या है, कमी है, चाहे एक न्यूट्रिएंट हो या ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड डाइट। और इससे संभावना रहती है क्या हो सकता है, डिजीज। और न्यूट्रिएंट्स की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, या हम कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन। एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अगला टॉपिक हमारा क्या है, माल न्यूट्रिशन। थोड़ा सा इसके बारे में और मैं डिस्कस करूँगा माल न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आप इसको एक बार नोट डाउन करो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो माल न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कुपोषण, क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। तो समझो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया आपको, हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अगर हमारे भोजन में वन और मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, इनका क्या हो, अगर ध्यान देना, हमारे भोजन में एक न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाए, कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, क्या बोल सकते हैं हम उसको, डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी। अगर हमारे भोजन में एक न्यूट्रिएंट्स या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाए, अगर कमी हो जाए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द लैक ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। आप इतना बता सकते हो कि अगर हमारा जो भोजन है, क्या है, हम जो भोजन खा रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, अगर उसमें या तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाए, अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो ये बीमारी क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। और कुपोषण की वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और हम किसको इन्विटेशन दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कई प्रकार की क्या हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो क्या होता है, बीमारी होती है, एनीमिया, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, इनकी कमी की वजह से डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं ज़रूरत से, तो ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाना वो भी डेंजरस है, वो भी क्या है, घातक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा कैसी रहनी चाहिए, उसकी मतलब जो लेवल है वो बॉडी में कैसा रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, बराबर मात्रा में रहनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को अगर खत्म करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या, बैलेंस्ड डाइट। क्या है, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। और माल न्यूट्रिशन, ध्यान देना, माल न्यूट्रिशन का रीजन क्या है, रीजन अगर कोई पूछ ले इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी है क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहला रीजन तो क्या हो गया, खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी इन फूड। दूसरा एक और इसका कारण है पॉवर्टी, गरीबी। तो जो गरीबी होती है, गरीबी की वजह से लोग वह क्या है, पूरा खाना नहीं खा पाते, उसका जब खाना ही नहीं खा पाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये फिर सरकार इंश्योर करती है कि सबको क्या मिले, बराबर मात्रा में खाना मिले। तो आपने देखा होगा सरकार की स्कीम चला रखी है, मिड डे मील स्कीम। कौन सी स्कीम चला रखी है, मिड डे मील। तो आपने देखा होगा दोपहर को स्कूलों में क्या बांटा जाता है, खाना बांटा जाता है, और वो भी बदल बदल के खाना दिया जाता है हर दिन।
तो इससे सरकार क्या इंश्योर कर रही है, इससे सरकार जो इंश्योर कर रही है कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनको खाना मिलता रहे और वो किसके शिकार ना हो, कुपोषण के शिकार ना हो, माल न्यूट्रिशन ना हो उनके अंदर, ये इंश्योर कौन कर रहा है, सरकार। तो ध्यान देना कुछ नहीं है, माल न्यूट्रिशन का मतलब है हमारी बॉडी में या सॉरी हमारे जो खाना है अगर उसमें लंबे समय तक, एक दो दिन की बात नहीं है, लॉन्ग टाइम, यहाँ पे मैं कहूँगा लॉन्ग टाइम, अगर आपका जो खाना ले रहे हो, अगर आप जो डाइट ले रहे हो उसमें लंबे समय तक एक न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की क्या हो, कमी हो, तो क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन होगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ध्यान देना बीमार होने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपने बीमारियाँ सुनी होंगी, दो टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन कम्युनिकेबल नहीं है, माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारी फूड हैबिट्स की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे बैलेंस्ड डाइट, हमें क्या नहीं मिल रही है, लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट, क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अगर हमारे भोजन में बैलेंस्ड डाइट का अभाव है तब भी क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। तो इसको रोकना है, कुपोषण को रोकना है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका यह है कि हमारा जो भोजन है, हमारी जो थाली है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये इंश्योर आपको करना है, एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है, बदल बदल के। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा भी है, आपने देखा होगा हर दिन क्या है, अलग अलग सब्जी बनती है और त्यौहार आते हैं, कई सारी चीज़ें बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो बराबर बनी रहती है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।